हेलो गाइस, आई एम योर एस आर आर। मेरा एक भाई है, तो उसने उसका दोस्त बताया था कि मुझे उसका दोस्त उसको बताया था मुझे नहीं उसको बताया था कि भाई हिंदी में तो भाई साहब नहीं कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हिंदी उड़िया में है, तो मैं कैसे सब्सक्राइब करूँ, कैसे कमेंट दूँ। तो मेरे भाई ने मुझको उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडिया टिप्स दें कि भाई तू हिंदी में बता। तो मैं सोचा कि जब मैं उड़िया बता रहा हूँ तो सिर्फ उड़ीसा लोगों को ही फ़ायदा हो सकता है, पर बाहर लोगों को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने अभी हिंदी में शुरू, मेरा मैं जानता हूँ कि मेरा थोड़ा हिंदी वीक है, पर थोड़ा दोस्तों एडजस्ट कर लेना, ओके। तो इस मैंने आपको वादा किया था कि सॉल्यूशन का चैप्टर आपके लिए ले आऊँगा, तो सॉल्यूशन का चैप्टर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द नीट। तो ऐसे करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग दो काम करेंगे, एक तो सब्सक्राइब कर देंगे, दूसरे तो बेल आइकन दबा देंगे। और इसके बाद मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि भाई तू प्रिज्म का एक वीडियो डाल दे, तो मैं एक प्रिज्म का वीडियो इसके बाद डालूँगा, प्रिज्म जो ऑप्टिक्स में है, रे ऑप्टिक्स, तो प्रिज्म का वीडियो डालूँगा। तो भाई ये डिटेल्स नहीं है, ये सिर्फ नीट के रिविज़न के लिए है, ओके। डिटेल्स तो हम नीट के बाद पढ़ेंगे, नीट रिवीजन के लिए सफिशेंट है, मिनिमम 80-90% ओके, बट कंसेप्चुअली क्लियर होने के लिए थोड़ा आपको बुक के थरो पढ़ना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी टॉपिक व कौन सी कॉन्सेप्ट है, तो आपको बुक से पढ़ना होगा, ओके। देन फर्स्ट मैं जानता हूँ कि आपका प्यार मुझे बहुत आगे लेगा, तो आप थोड़ा मुझे प्यार जताइए, थोड़ा आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल में कमेंट कर दीजिए, ओके। देन अभी हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ओके। फर्स्ट बताइए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब हम हिंदी में सॉल्यूशन का मतलब क्या कहते हैं कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो नहीं बच्चा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं, ये सॉल्यूशन थोड़ा अलग है। सॉल्यूशन क्या होता है ना, जब हम कोई द्रव्य को एक द्रव्य के साथ मिलाते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है। अच्छा बताइए कि सॉल्यूशन, सपोज हम चीनी लेंगे, शुगर के साथ वाटर मिक्स करेंगे, तो इफ़ यू मिक्स शुगर विथ वाटर देन दिस टाइप ऑफ मटेरियल जो बनेगा उसको कहते हैं सॉल्यूशन, ओके। सपोज ये लिक्विड का भी हो सकता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये लिक्विड का भी हो सकता है, ये लिक्विड का भी हो सकता है, ये सॉलिड लिक्विड, सपोज लिक्विड सपोज मैं एसीटोन के साथ बेंजीन मिलाऊंगा कि एसीटोन के साथ पानी मिलाऊंगा, तो ये लिक्विड प्लस लिक्विड हो सकता है। अच्छा सपोज ये सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सपोज फॉर एग्जांपल चीनी के साथ पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, तो सॉलिड प्लस लिक्विड, पर हमारे लिए तो सॉलिड प्लस लिक्विड ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें है एक फॉर्मूला, राउल्ट्स लॉ, ओके। तो गैस इसमें भी है, लिक्विड प्लस लिक्विड में है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सॉलिड प्लस लिक्विड में जो एक फॉर्मूला है वो इम्पोर्टेंट है, ओके। अभी हम देखते हैं कि गैस और लिक्विड, अच्छा गैस और लिक्विड इट इज़ लेस इम्पोर्टेंट, ओके। गैस और लिक्विड, सपोज गैस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल इट इज़ जो हम कोको कोला पीते हैं कि थम्सअप की एल्सेट्रा वगैरह वगैरह ड्रिंक्स हमारे, बियर भी हैं, चिल्ड बियर, इथानल आपका तो वो बहुत पसंद होगा, ओके। चिल्ड बियर, सपोज जितने भी ड्रिंक्स हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिलाते हैं, कुछ लिक्विड मिलाते हैं ना, नहीं तो ये हो जाएगा ना, ये गैस है तो उसके बाद वो लिक्विड है, तो लिक्विड प्लस गैस का मिक्सचर हुआ वहाँ पर हो जाएगा। तो जब हम देखते हैं, जब हम कोको कोला, आप तो पिया ही होगा कोको कोला, तो कोको कोला जब आप खोलते हैं तो एक गैस के टाइप से बुलबुला बाहरता है, वो उसको कहते हैं जब फ्रोथ फ्लोटेशन, तो आप पढ़े ही होंगे फ्रोथ क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें फ्रोथ क्या होता है। तो उसको छोड़ो, पर गैस क्या होता है ना, जब बुलबुले निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, बुलबुल के साथ क्या होता है, गैस बाहर निकल जाता है। तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है थम्सअप, स्प्राइट एक बेस्ट एग्जांपल है, ओके। तो इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा अभी आते हैं हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ, तो इसको हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। अच्छा तो देगा 10% वेट बाई वेट सॉल्यूशन, ओके। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 10% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन, ओके। 10% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन कैसे कहते हैं, अच्छा तो समझे, वेट बाई वेट मीन्स सब समय पर आप याद रखेंगे कि ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन, ओके। क्या होगा, ऊपर होगा सॉल्यूट, नीचे होगा सॉल्यूशन, ओके। वेट बाई वेट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ
वेट ऑफ सॉल्यूशन, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके, 10% एन यूरिया सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम मास ऑफ यूरिया डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने, सॉरी उड़िया हो गया, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ यूरिया है, 10 ग्राम, इसको हम इस तरह लिखेंगे। फिर से कह रहा हूँ, 10% यूरिया सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन के 10% मीन्स क्या, 10 बाय 100, तो ऊपर रहेगा सॉल्यूट मास मीन्स 10 ग्राम ऑफ यूरिया, तो नीचे रहेगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगा, ओके, कंप्लीट। देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में उसको इसी तरह लिखेगा, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, अच्छा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह हम लिखेंगे, 10% मींस 10 बाय 100, 10 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर लिखेंगे, लीटर या मिलीलीटर जो भी होगा चलेगा, लीटर 10 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किंबा 10 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मैं लीटर मिलीलीटर कह रहा हूँ, क्योंकि लीटर मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ओके, पार्ट्स पर मिलियन भी वहाँ होगा, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, कितना पार्ट्स पर मिलियन होगा, पर मिलियन, ओके, पर मिलियन, पर मिलियन मीन्स इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^6 पर मिलियन, ऐसे कहते हैं कि ऊपर जो ऊपर होता है उसको हम सॉल्यूट के नाम करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो देगा 10% ppm सॉल्यूशन, सपोज इसी से ही कंपेयर करते हैं, 10% ppm ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ओके, 10% मीन्स 10 ग्राम यूरिया सॉल्यूशन इन प्रेजेंट इन 10^6 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, ppm। देन नॉर्मालिटी, ओके, नॉर्मालिटी क्या कहता है ना, नॉर्मालिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसे कहते हैं ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको आपने सीखा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या होता है ना, मैं इसको कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, अच्छा मोल्स का फॉर्मूला कहते होता है मास बाई मॉलिकुलर मास, सिमिलरली मोल्स होगा मास बाय मॉलिकुलर मास, सिमिलरली वो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा मास बाय इक्विवेलेंट मास, उसके जो मोलर मास इसके इक्विवेलेंट मास, तो हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू मोल, ओके, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास सपोज एक इक्विवेलेंट मास सपोज एक कंपाउंड दिया है उसका आप एन फैक्टर मींस क्या होता है, वैलेंस फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मास देखिए, इक्विवेलेंट मास सपोज यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना होगा ना, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू इसका मोलर मास बाई एन फैक्टर किसे, एन फैक्टर कैलकुलेट इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टर किसके लिए किसका होगा, सपोज सॉल्ट के लिए उसका टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, अलग अलग लिखना, टोटल पॉजिटिव, हम जानते हैं कि एक सॉल्ट न्यूट्रल होता है, उसका चार्ज जीरो होता है, तो सपोज Na2SO4 हम लेंगे, Na2SO4 हम लेंगे, उसमें 2Na+ होगा, Na+ होगा प्लस SO4 2- होगा, तो यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, आइदर पॉजिटिव चार्ज लेंगे आइदर नेगेटिव चार्ज लेंगे, प्लस 2 टाइम्स है तो प्लस 2 होगा, किंबा और -2 1 टाइम्स से 2 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ना, Na2SO4 का मॉलिकुलर मास बाई n फैक्टर बाई 2, ओके, इक्विवेलेंट मास ऐसे निकल जाएगा, तो ओके बच्चा लोग यहाँ पर हो गया मोलारिटी, मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सपोज 10 मोलारिटी देगा तो 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है भाई, मैं आपको पिछले कुछ समय पर कह रहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहेगा सॉल्यूट नीचे रहेगा सॉल्यूशन, तो सपोज दे देगा 10% मोलारिटी मींस 10% मीनिंग क्या है 10 बाय 100 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 लीटर, यहाँ पर लिखा है देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, तो मोलारिटी हो गया, मोलारिटी क्या होता है, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सपोज दे देगा 10% मोलारिटी, उसमें हो जाएगा 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय 100 केजी ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट होगा, नीचे सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, सपोज सॉल्यूशन लेगा एक्वा सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ओके,
तो इस दोनों में रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस दोनों में रिलेशन और डेंसिटी के साथ रहे। तो मास इक्वल टू 1000 m मीन्स 1000 मोलारिटी, यहाँ पर मोलारिटी m है, मोलारिटी बाय 1000 d डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मोलारिटी इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट ही, ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, मोल फ्रैक्शन सपोज इन ए कंटेनर देर इज अ टू गैस, देर आर टू गैस नेमिंग ए एंड बी, उसका मोल क्या हो जाएगा, एन ए एंड एन बी, सपोज एन ए एंड बी, तो हम इस दोनों में किसका निकाले, एक्स से सपोज निकालते हैं, तो मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय एक्स, तो इसको हम कहते हैं एक्स ए, ए फॉर एक्स ए, एक्स सबस्क्रिप्ट लिखेंगे ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। बच्चा लोग एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, देखिए मैं जो इज इक्वल टू कह रहा हूँ उसमें एक स्टोरी है कि मेरा जो प्लस टू कंप्लीट हुआ था जिस कॉलेज में, कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो उसमें मेरा एक दोस्त है, तो वो दोस्त मैथमेटिक्स सर एक होते थे हमारे, तो उसने उसको पूछा, सर ने उसको पूछा कि सपोज ए इक्वल्स टू बी, सपोज सर ने पूछा कि इस फार्मूला को बताओ, तो उसने कहा कि ए इज इक्वल टू बी, तो सब ने हंसने लगे, सर ने बताया इज इक्वल टू होता है कि इक्वल्स टू होता है, तो उसमें उसको मैंने मेरा माइंड में फिट हो गया है, तो मैं भी इज इक्वल टू करने लगा हूँ, तो इसको आप थोड़ा देख लेंगे, तो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, कोऑपरेट में से करेंगे मैं सोचता हूँ। तो देखें यहाँ पर एक्स से इक्वल्स टू होगा क्या होता है ना, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन्स जो निकालना चाहिए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका मोल ऊपर रहेगा बाई टोटल मोल, टोटल मोल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, बट ऑलवेज याद रखना कि ये टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू वन होगा। कैसे प्रूफ करूँ, देखिए प्रूफ कैसे होता है, देखिए प्रूफ कैसे होता है, एक्स ए का फॉर्मूला ये है, तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या होगा ना, एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, इसको मिला देंगे तो एन ए प्लस एन बी कॉमन ले जाएंगे, हो जाएगा ऊपर एन ए प्लस एन बी कट जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ओके ये इंपॉर्टेंट बहुत है। अभी आपको जो मैं कहूँगा उसको थोड़ा बुक से रिवाइज कर लेना फिर से। ओके, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ मैं अभी आपको बताया नहीं, तो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है, उसे जस्ट याद रखिए, इसके बाद आपको कहूँगा, वो राउल्ट्स लॉ को या फॉलो करता है, बस जो नॉन आइडियल है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो आइडियल में कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर डेल एच मिक्स एंड डेल वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच इज एप्लीकेबल, ऑप्शन देगा डेल एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो, डेल एच मिक्स इक्वल टू जीरो, डेल एच मिक्स लेस देन जीरो, डेल एच मिक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा ना, डेल एच मिक्स इक्वल टू जीरो होगा, आप ये टिक करके आएंगे। ओके, पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल एच मिक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भाग में हम विभक्त कर रहे हैं, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, तो दो भाग में हम उसको टू टाइप में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो टू टाइप में डिफ्रेंशिएट करें, तो टू टाइप में क्या होता है ना, पॉजिटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है ना, डेल एच मिक्स जिसका ग्रेटर देन जीरो होता है वो पॉजिटिव सॉल्यूशन में जाता है, और डेल एच मिक्स जिसका लेस देन जीरो है नेगेटिव डिविएशन में जाता है। तो इसका थोड़ा आप बुक से रिविजन कर लेंगे, थोड़ा बहुत अच्छा होगा, तो स्टडी ऑफ योर सेल्फ मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा बुक से रिविजन करेंगे, स्टडी ऑफ योर सेल्फ मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा यहाँ पर देखेंगे कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन, और एक है एजोट्रोपिक सॉल्यूशन, एजोट्रोप है, इसको थोड़ा आप बुक से रिफर कर लें, क्योंकि ये थ्योरी होता है तो डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट से आता है, तो इसको थोड़ा याद रख लेंगे बुक से। ओके, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, बस या इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर आ रहा हूँ। ओके ओके, अभी देखते हैं क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हम सोचते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये होता है कि जो लिक्विड और सॉलिड का प्रॉपर्टीज़ होता है, तो उसको हम चार तरह से डिवाइड करें हैं, तो चार टाइप से क्या क्या होगा ना, राउल्ट्स लॉ बा एलिवेशन इन बा रिलेटिव वेपर प्रेशर जिसको कहते हैं, ऑस्मोसिस, और एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक है एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के मैंने आपको पहले से ही कहा रखा है कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में भी राउल्ट्स लॉ अप्लाई होता है,
सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी राउल्स लॉ अप्लाई होता है और गैस लिक्विड में भी अप्लाई होता है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको लिक्विड लिक्विड एंड सॉलिड लिक्विड के बारे में कुछ कहता हूँ। देखिए लिक्विड लिक्विड में क्या होता है ना, लिक्विड लिक्विड में राउल्स लॉ कहता है कि द टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेंट का प्रेशर। यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ, ए होगा सॉल्यूट हमारा, बी होगा सॉल्वेंट हमारा, पी नॉट होगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो राउल्स लॉ कहता है कि जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको तो आपने, मैंने आपको बताया था कि राउल्स लॉ के मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो इसको आइडियल सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कीजिए। तो जिसका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को, तो उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, कौन, ओके राइट, देन इसको हम कंपेयर करते हैं। सपोज एक कंटेनर लेंगे, उसका ए एंड बी लिक्विड को डाल देंगे, तो प्रेशर ऑफ ए क्या होगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा इंडिविजुअल जब लेंगे, प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए नॉट मींस उसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है तो उसी सॉल्वेंट का क्या होगा वेपर प्रेशर इनटू इसका मोल फ्रैक्शन। तो इसी तरह पी बी भी हो जाएगा, पी बी नॉट इनटू एक्स बी। ओके, टोटल प्रेशर ओके किसना हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कन्वर्सन भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू नहीं इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, एक्स बी इक्वल्स टू वन माइनस एक्स ए। तो यहाँ पर एक्स बी की जगह से इसको पुट कर सकते हैं, एक्स बी इक्वल्स टू वन माइनस एक्स ए। तो यहाँ पर भी निकल जाएगा, एक ग्राफ भी बन जाएगा। तो इसका ग्राफ देखिए क्या होता है, इसका ग्राफ जो होता है, देखिए यहाँ पर जब एक्स ए इक्वल्स टू वन लेंगे एंड एक्स बी इक्वल्स टू जीरो लेंगे तो क्या होता है ना, इसका पी नॉट ए हाइपर रहता है। जब इस ये एक्स ए घट कर जाता है, एक्स ए इक्वल टू जीरो तो पी नॉट घट जाता है, तो घट कर जाता है तो यहाँ पर लीन हो जाता है। बट एक्स बी इक्वल्स टू जीरो जब, तो एक्स बी इक्वल्स टू जीरो मीन्स पी ए नॉट बी पी बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, जब एक्स बी इक्वल्स टू वन होगा तो पी बी नॉट बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर। तो ये जो लाइन हो जाएगा ये टोटल प्रेशर से हो जाएगा। तो इसको आप याद रख लेना किंबा, और इसको देख लेना इस तरह से होगा ये। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था कि फॉर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर भी ये होता है। तो हम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में भी करते हैं। सपोज़ चीनी पानी जो लेते हैं हम, सपोज़ शुगर ऐड करेंगे वाटर के साथ, तो वाटर यहाँ पे हो जाएगा सॉल्वेंट मीन्स बी, सपोज़ वाटर है बी, सपोज़ सॉल्यूट ऐड करेंगे ए, तो यहाँ पर राउल्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम सॉरी टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सो यहाँ पर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी उठाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट क्या होता है ना वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पर देखिए तो डेरिवेशन कैसे होता है ना, पी नॉट को यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो पी एस माइनस पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी। तो यहाँ पर क्या होगा ना, वो बोथ साइड पर हम माइनस वन करेंगे। ओके, जब वन माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पी नॉट बाई माइनस पी एस बाई वन माइनस एक्स बी। मैंने आपको पिछले ही जस्ट कुछ एक्स के अंदर बताया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू वन होता है। तो यहाँ पर निकल जाएगा कि एक्स बी इज इक्वल्स एक्स ए इक्वल्स टू वन माइनस एक्स बी, तो वन माइनस एक्स बी क्या हो जाएगा एक्स ए। इसको पी नॉट बाई पी एस को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो डेल पी कहते हैं चेंज इन प्रेशर, डेल पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू ए एक्स ए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका कन्वर्सन एक है, कन्वर्सन क्या हुआ ना, डेल पी बाई पी नॉट शुड इक्वल्स टू एक्स ए का मोल फ्रैक्शन, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर, एन जो जिसका मोल फ्रैक्शन वो ऊपर रहेगा जिसका बाय टोटल मोल फ्रैक्शन, तो एन ए बाई एन ए प्लस एन बी। अच्छा, इसे गौर से देखिए। ओके, मैं थोड़ा जूम कर लिया हूँ, करूँगा इसे। तो इसे गौर से देखिए, सॉल्यूट का मोल बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.00 समथिंग होता है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो इसको हम जब नेग्लेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल पी बाई पी नॉट इक्वल्स टू एन ए बाई एन बी। तो इसको हम एन ए को क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ ए इक्वल्स बाई मोल मोलिकुलर मास ऑफ ए, एन बी को क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ बी बाई मोलिकुलर मास ऑफ बी मोलिकुलर मास को डब्ल्यू, यहाँ पर मैं लिखा हूँ एम इक्वल्स टू गिवन मास, डब्ल्यू इक्वल टू मोलिकुलर मास। ओके,
डब्ल्यू इक्वल टू मॉलिकुलर मास। तो यहाँ पर देखिए, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला निकल आएगा आपको, आपको दे देगा क्या मास ऑफ सॉलिड पूछ लेगा, इसको पूछ लेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और ये भी दे देगा। तो पूछेगा कि एम ए बताओ, तो एम ए आप इस फार्मूले से ला सकते हैं। अब ओके, अभी हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पर आते हैं, इसका नाम है कि ऑस्मोसिस। अच्छा पहले बच्चों समझो ऑस्मोसिस क्या होता है। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, आपने आपका टेंशन बढ़ गया होगा, सर तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बायोलॉजी का टॉपिक क्यों आया है। पर बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस वहाँ पर क्या होता है ना, हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल भी होता है, तो यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा। तो ऑस्मोसिस हाई वाटर पोटेंशियल, मैंने आपको थोड़ा रिमेंबर कर दूंगा, तो वाटर पोटेंशियल होगा क्या ना प्रेशर पोटेंशियल प्लस सॉलिड पोटेंशियल। आपको आपको याद रखना होगा कि सॉलिड पोटेंशियल कंसंट्रेशन जब जितना बढ़ेगा सॉलिड पोटेंशियल उतना कमेगा, घटेगा सॉरी कमेगा नहीं घटेगा। तो जब घटेगा तो इसमें क्या होता है ना, तो इसमें अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ये बायो, बट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज ऑस्मोसिस। ओके ऑस्मोसिस कैसे कहते हैं, तो आपको बायो को केमिस्ट्री के साथ रिलेट करेंगे। तो देखें यहाँ पर देखिए, जो साई डब्ल्यू होता है, जब साई एस डिक्रीज इंक्रीज करेगा तो साई डब्ल्यू भी इंक्रीज करेगा। साई डब्ल्यू क्या होता है, वाटर पोटेंशियल। ओके जब साई एस इंक्रीज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज करेगा, तो ये बताता है कि हाई वाटर पोटेंशियल। कब हाई वाटर पोटेंशियल होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लो होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लो होगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल हाई होगा तो वाटर पोटेंशियल हाई होगा। तो ये बताता है कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट मेम्ब्रेन और सॉल्यूट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका मैं कि यूट्यूब नहीं, जो हम देखते हैं वो यूट्यूब नहीं, वो यूट्यूब है जिसके अंदर पानी डाला जाता है, तो उसको वो यूट्यूब ले जाएंगे। तो इसके बाद लो कॉन्सेंट्रेशन है, इसके बाद हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वाटर तो सॉल्वेंट किस तरफ फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा, तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस को ये कुछ याद नहीं है, उसका डेफिनेशन याद करो और इसका एक फार्मूला है इसको याद करो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या है ना, पाई इक्वल टू सी आर टी, सी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म से होगा। कॉन्सेंट्रेशन का टर्म क्या होगा, क्या हो सकता है याद करिए, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ये हो सकता है कि मोलारिटी हो सकता है, मोलारिटी हो सकता है, नॉर्मलिटी हो सकता है, पीपीएम हो सकता है, एलसीटा वगैरह वगैरह हो सकता है, मैं आपको पढ़ा रखा हूँ वो। तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जिस जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करे उस रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। सपोज मैं ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता हूँ, सपोज ऑस्मोसिस यहाँ हो सकता है, यहाँ हो रहा है, सपोज मैं यहाँ पर एक प्रेशर डाल रहा हूँ तो ऑस्मोसिस यहाँ पर नहीं होगा, तो उसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके।